अब ये देखिए रास्ता, ऐसे पत्थरों के बीच से आपको घोड़े के पीठ में बिठा के ले जाएंगे। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अगर आप जनवरी में आएंगे तो आपको ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपको पूरा वाइट दिखेगा। और वो जो आपको सामने पहाड़ी दिख रहा है उसमें हम लोग कल जाएंगे, गोंडोला राइड में चढ़ के हम उसी पहाड़ पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। आज डेट है 30 मार्च 2022 और अभी टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री के आसपास। वैसे कल रात को टेम्परेचर -4 तक का उतर चुका था, स्नोफॉल नहीं हुआ लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड था यहाँ, बहुत ज्यादा ही ठंड था। सो हेलो दोस्तों, मैं स्वर्णदीप वापस आ चुका हूँ आप सबके साथ इस कश्मीर की टूर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमर्ग में गोंडोला राइड का मजा लेंगे। इसमें आपको केबल कार से उस पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाएगा, वहाँ बर्फ में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर वहाँ से उतरने के बाद, वही केबल कार के थ्रू उतरने के बाद हम लोग बाई कार श्रीनगर की ओर रवाना होंगे। ये देखिए गोंडोला राइड में पहुंचने के बाद का नजारा, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा टाइम लगता है लाइन को आगे बढ़ने में। चलिए पहले गोंडोला राइड के केबल कार में बैठ जाते हैं, फिर उसके आगे का बात आपसे करेंगे। कैसे टिकट बुक करना रहेगा आपको, कितना पैसा लगता है और कितने बजे के आसपास यहाँ आने से आपको बेटर रहेगा, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम बैठ चुके हैं हमारे गोंडोला राइड में। ये रहा हमारा केबल कार और हम अभी फर्स्ट फेज कवर कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसेस वाइजेस का। वैसे हमें होटल से निकलते निकलते 8:45 हो गया था और गोंडोला राइड के यहाँ जो बेस रहता है वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गए। ज्यादा दूर नहीं था, पास ही में था हमारा होटल, 15 मिनट में हम पहुँच गए थे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 8 से 8:30 के बीच तक पहुँच ही जाए कुछ भी हो, बिकॉज हम 9 बजे जब यहाँ पहुँचे तो हमारा गोंडोला राइड मिला हमें 10:30 बजे और ऊपर पहुँचते पहुँचते 11:45 बज गया था। आप कोशिश कीजिएगा 8 से 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाने का, दैट आपको लाइन में ज्यादा देर खड़े रहना ना पड़े। अब चलिए टिकट्स का भी बात कर लेते हैं। टिकट बुकिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए ऑफलाइन ऐसा रहता है आप काउंटर में जाके कैश देके आप टिकट खरीद सकते हैं। वैसे प्राइस दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है ऑफलाइन में आपको जाके खुद खरीद के वहां से मैनुअली टिकट लेना पड़ेगा और ऑनलाइन में आप वेबसाइट से टिकट ले सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट फेज के लिए प्राइस है 740 रुपीज पर हेड है और ये प्राइस बस फर्स्ट फेज का है, सेकंड फेज का प्राइस अलग है, वो है 950 रुपीज पर हेड। वैसे हम सेकंड फेज में नहीं गए बिकॉज हमें फर्स्ट फेज में ही बर्फ मिल गया और हमने इतना एंजॉय किया दैट हमें सेकंड फेज में जाने का मन ही नहीं किया। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा सेकंड फेज मतलब जाने का रास्ता कौन सा है, कैसे जाते हैं, कहां से आप जा पाएंगे, आपको पूरा डिटेल भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए अचानक से हमारा केबल कार यहां पे रुक गया। बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, ये रहा हमारा स्टॉपिंग पॉइंट, यहीं आके हमारा केबल कार रुक जाएगा। वो देखिए सामने का और ऑलरेडी केबल कार है आपका। तो चलिए अब हम लोग उतर चुके हैं केबल कार से। ये देखिए चारों ओर का नजारा और केबल कार से वो जो सीढ़ी देख रहे हैं वैसे यहाँ से भी हम सीढ़ी से उतरने के बाद चारों ओर देखिए बर्फ शुरू, पूरा बर्फ ही बर्फ, मतलब इतना ज्यादा बर्फ है चारों ओर। अब ये देखिए केबल कार ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आके वहां घुस गया। बस ये रहा बर्फ, देखिए हम बर्फ में चल रहे हैं। तो ये देखिए ये वाला बूट पहन के मैं चल रहा हूँ बर्फ के ऊपर। नॉर्मल बूट में भी आ सकते हैं लेकिन आपका पैर धंस जाएगा, आप स्लिप खाने का डर रहता है आपको। ये फोटो लिया हमने सेल्फी, बर्फ बर्फ। वो देखिए ऊपर जो आपको रोपवे दिख रहा है यही वाला आपका सेकंड फेज की ओर ले जाएगा, वो दूर में जो लाइन दिख रहा है ना आपको, हाँ वो ऊपर में वही आपका सेकंड फेज में ले जाएगा। तो फिलहाल चलिए स्लेजिंग करते हैं। सामने से चलो
सो बस हमारा स्लेज अब खत्म होने वाला है। मैं सोचा यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट आप भी जान सकते हम कितना मजे किए। आप ज़रूर स्लेजिंग कीजिएगा यहाँ पे आके। ये देखिए सेवन स्प्रिंग्स, यहाँ से सेवन गर्म पानी का धारा निकलता है यहाँ से। ये चारों ओर का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाता है बस बर्फ ही बर्फ दिखता है। ये देखिए आप ये गाड़ी में भी चढ़ सकते हैं, ये 1000 रुपीज़ पर हेड है यहाँ का। आपको एक लंबा सा बड़ा सा राउंड मार के लाएंगे ये लोग। वैसे मैं निकला हूँ थोड़ा जाके दूर से एक्सप्लोर करके आने के लिए। अच्छा खासा ठंड तो नहीं बोल सकते लेकिन गर्म बहुत लग रहा है, बिकॉज बर्फ़ में हमें ऐसा लगा दैट सूरज का जो हीट रहता है वो रिफ्लेक्ट करे हमारे पड़ता है, इसलिए दिन के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए मैंने जैकेट वैकेट सब उतार दिया, बस प्लेन शर्ट में थे हम लोग। ये जो स्पॉट दिख रहा है ये भी एक स्पॉट है, वो आपको गाड़ी में जलाएंगे, इस स्पॉट में भी आपको घुमा देंगे। तो ये अब एज ऑफ द क्लिफ बोल सकते हैं, यहीं पे आके वो क्लिफ खत्म होता है। आप नज़ारा देख सकते हैं चारों ओर का, ये देखिए इसके आगे एक बड़ा सा खाई है और दूर में हमें वो पर्वत दिख रहा है। अच्छा खासा ठंडा एक हवा बह रहा था, वैसे ठंड नहीं लगता लेकिन एक ठंडा सा एक हवा बहता रहता है। ये मैं बर्फ से उतर रहा हूँ फिसलते हुए, बस स्लेजिंग ये मैंने खुद का स्लेजिंग बना लिया। और ये कुछ हसीन स्लोमो मेरे मम्मी के वीडियोस बनाए गए थे मैंने, और भी आप जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, कोई रोक टोक कुछ नहीं है। ये एक स्नोफॉल का इफेक्ट डालने के लिए साइड से मेरे पापा बर्फ़ फेंक रहे हैं। ये एक फ़ोटो शाम के टाइम लौटने से पहले कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो देखिए सूरज के बीच से जो पहाड़ में आके जो एक सनरेज गिर रहा है ना, मतलब इतना खूबसूरत लगा था वो नज़ारा, एकदम इतना ज़्यादा खूबसूरत क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं हमारे गोंडोला राइड के रिटर्न के लिए। हमारा दिन भर का समय हो चुका है, हमारा दिन भर का टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं बर्फ में, अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। अभी ठंड लग रहा था हमें, कुछ ज़्यादा ही शाम के टाइम ठंड लगता है, मतलब जैकेट शर्ट स्वेटर सब कुछ पहना हुआ था, टोपी, अभी फिर भी एक ठंड का सेहरा अंदर में था, मतलब इतना ज़्यादा ठंड हो जाता शाम को। अभी कितना 5:30 बज रहा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गया था। सुबह आप देख सकते हैं हम बस एक शर्ट में थे, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है हम क्या बताएं आपको। तो चलते हैं नीचे की ओर, वैसे इसका फुल वीडियो मैं आपको कभी और पोस्ट कर दूंगा पूरा गोंडोला राइड का फर्स्ट फेज का। तो अभी स्लेज गाड़ी का प्राइजेस का बात कर लेते हैं। तो जब हम पहुंचे थे तब उन्होंने पर स्लेज को 1000 रुपीस बताया था हमें, और जैसे मैं आपको बताया था पहलगाम वाले वीडियो में बार्गेनिंग आपको करना पड़ता ही है, तो यहाँ बार्गेनिंग करके हमने दो स्लेज लिया और दोनों का मिला के 500 रुपीस पड़ा। एक स्लेज में मेरे पापा थे और जो चला रहे थे वो, और दूसरे स्लेज में जो चला रहे थे वो मैं और मेरे मम्मी, हम तीनों थे, तो टोटल स्लेजिंग का हमें 500 रुपीस पड़ा।
बर्फ में चलने के लिए हमने बूट रेंट पे लिया था होटल से। वैसे आप कहीं से भी रेंट से ले सकते हैं। बाकी हम जिस जेके टीडीसी के होटल में रुके थे और हमें पड़ा 150 रुपीस पर हेड दो एक पेयर बूट का, मतलब एक एक आदमी का दो बूट मिलेगा आपको 150 में। अगर आप बूट, जैकेट, ग्लव्स, पूरा किट लेना चाहते, कंप्लीट सेटअप लेना चाहते, सनग्लास, टोपी, जैकेट रहेगा, बूट रहेगा, ग्लव्स रहेगा, सब मिला के आपको 500 रुपीस पर पर्सन पड़ता है। मतलब पूरा कंप्लीट सेट आपको देंगे बर्फ में एंजॉय करने के लिए। अभी बढ़ते हैं हम श्रीनगर की ओर। तो ये हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये रहा डाल लेक और वो रहा शिकाराज। ये देखिए डाल लेक का शाम का नजारा, चारों ओर अच्छा खासा भीड़ है। वैसे रास्ते में हमें कहीं जाम वाम तो फिलहाल तक मिला नहीं है। एक्चुअली क्या है, आते आते बहुत ज्यादा थक गए थे इसलिए और वीडियो बनाने का मन नहीं किया वापसी के टाइम पे। अभी हम हमारे होटल की ओर जा रहे हैं। JKTDC के द्वारा हमें होटल हिमल दिया गया था। ये रहा होटल हिमल। यहाँ भी आपका सुपर डिलक्स रूम रहेगा, बेड हीटर, रूम हीटर दोनों रहेंगे, बाथरूम में गीजर रहता है आपका। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होटल है ये। वैसे अभी दो तीन दिन जो हमारा स्टे रहेगा इसी होटल में रहेगा और होटल हमारा चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो होटल के रेस्टोरेंट में मंगा चुके हैं चाय वाय पीने के लिए, सामान वामान रख दिए थे। वैसे होटल का टूर आपको अगले वीडियो में जरूर कराएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप तब तक होटल के रेस्टोरेंट का मजा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।